ओके तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे जो है कैलकुलेटर ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने डिफरेंट वेबसाइट पे देखा होगा, एज कैलकुलेटर होते हैं या CGPA कैलकुलेटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डेट्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऐड किए होते हैं, तो वो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए प्लगइन अवेलेबल है फ्री वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में, तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें। फिर जब आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन में जाके सर्च करना है, तो एक प्लगइन है कैलकुलेटर फील्ड फॉर्म, कैलकुलेटेड फील्ड फॉर्म, तो ये आपने यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल और एक्टिव करोगे, तो यहाँ पे एक मेन्यू शो हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड्स के नाम से। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ऑलरेडी कैलकुलेटर बना के दे दिए मैं, ठीक है। यानी पांच यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बाकी दो मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। वो जो ऑलरेडी उन्होंने क्रिएट किए हैं डेमो के तौर पर, यहाँ वैसे उन्होंने अपने प्लगइन के अंदर ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसके आगे एक शॉर्ट कोड शो हो रहा है। अब जहाँ पे आप इस कैलकुलेटर को शो करना चाह रहे हो, आपने जस्ट ये शॉर्ट कोड वहाँ पे ऐड कर देना है। पोस्ट में करना चाह रहे हो तो वहाँ पे, पेज पे करना चाह रहे हो तो वहाँ पे, और साइड बार पे करना चाह रहे हो तो वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट कैलकुलेटर हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैरिट कैलकुलेटर मैंने क्रिएट किया था, आपने यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करना, ठीक है। मैरिट कैलकुलेटर वन मैं दे देता हूँ अपना, और जस्ट ऐड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखें कैलकुलेटर ऐड हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसमें फील्ड्स कैसे ऐड करनी है, वो अपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट उसकी लेयर्स दी हुई हैं, फील्ड्स दी हुई हैं, जो आप ऐड करना कर सकते हो, ठीक है। करेंसी ऐड कर सकते हो, सिंगल टेक्स्ट लाइन, नंबर, स्लाइडर, ईमेल डेट, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन्स वगैरह, फाइल अपलोड करवा सकते हो, फ़ोन की फील्ड, और पेज ब्रेक ऐड कर सकते हो, ठीक है। HTML कंटेंट अपनी मर्जी से भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और डिफरेंट यहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन की हैं, चेक बॉक्सेस की हैं, तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सी बैक, जहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ मेरिट कैलकुलेटर। अच्छा, इसकी मैं सेटिंग पे जाता हूँ। इसकी मैंने दो फील्ड क्रिएट की हैं, ठीक है, नंबर वन और नंबर टू, ठीक है। एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, यानी कि टोटल मार्क्स और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद वो कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि उसकी परसेंटेज निकाल के आपको दे देगा कि कितने परसेंट उसके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब यहाँ पे दो आपने ऐड कर लेने हैं ब्लॉक्स, ठीक है, नंबर के और यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू के। जब कैलकुलेटेड वैल्यू की करनी है, तो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। फील्ड वन डिवाइडेड बाई फील्ड थ्री, सॉरी, फील्ड टू डिवाइडेड बाई फील्ड थ्री मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब इन फील्ड नेम कहाँ पे, ये देखें नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका फील्ड नेम टू शो कर रहा है। सेकंड पे क्लिक करेंगे तो फील्ड नेम थ्री, ठीक है। उसके बाद इस पे आकर हमने जो है फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से आप उसकी जो है ट्यूटोरियल को भी रीड कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगा लिया हमने, इसको सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद इसका जो है शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी करना है। हम अपेयरेंस में आते हैं, विजेट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे साइड बार पे विजेट एक ऐड कर लेते हैं, उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट आपने ऐड करना है और इसको साइड बार में, ठीक है, टेक्स्ट वाला विजेट, उसकी टेक्स्ट वाली ऑप्शन में आके आपने शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना, ठीक है, टैब में आके, और यहाँ से इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कैलकुलेटर ऐड हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे आपको कैलकुलेटर फील्ड फॉर्म जो है ना वो शो हो रही है। अब यहाँ पे उसने नंबर दिए जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किए हुए थे, आप इसको जो है एम्प्टी भी छोड़ सकते हो अगर नहीं कोई नंबर देना चाहते हो, ठीक है, तो एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। अब फर्ज करें 1050 में से अगर किसी के मार्क्स आते हैं 955, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी, तो ये देखें नीचे आपको परसेंटेज शो करा, ठीक है, 90.95, तो राउंड करके 95 ही होती है, ठीक है, 90.95। तो इस तरह से जो कैलकुलेटर फील्ड है आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह बाकी भी इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, मैं बाकी भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। सारे जितने भी ये कैलकुलेटर्स उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे उतने विजेट्स ऐड कर लेते हैं, कितने हैं वो
इधर से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट विजेट 5 यहाँ पे ऐड करेंगे, 1, 2, 3 ठीक है। तो इनको फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि 3 हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने करना है 2 और ऐड करने हैं, ठीक है ठीक है। तो ये हमने ऐड कर लिए, अब हमने क्या करना है यहाँ पे उनके शार्ट कोड पेस्ट करना है। सबसे पहले ये वाला है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसमें शार्ट कोड पेस्ट कर देना और इसको सेव कर देना, ठीक है। और इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर इसका शार्ट कोड, ये सारी इस उन्होंने सेटिंग दी हुई है, वो आप देख सकते हो कि कैसे किसकी करनी है सेटिंग, ठीक है। आप कैलकुलेटर पूरा भी क्रिएट कर सकते हो, मेरिट कैलकुलेटर, मैंने अभी सिर्फ 2-3 फील्ड क्रिएट किए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये मैंने सेव कर दिया, अब नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर देना। अब मैं इसको पेज पे यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ़्रेश करने के बाद सबसे पहला जो हमने ऐड किया था वो ये वाला कैलकुलेटर था जो हमने, जिसमें मार्क्स को काउंट किया। सेकंड जो सिंपल ऑपरेशन था, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये उसको सम करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इधर 1550 ऐड करता हूँ तो ये देखें 50 कर देता है। ये ऊपर उन्होंने उसने सम किया, नीचे उसने सब्ट्रैक्शन किया, यानी कि 50 में से 2 माइनस किया है, ठीक है। उन्होंने गलती से सम ही लिखा हुआ, लेकिन उसने 50 में से 2 को माइनस किया हुआ, ठीक है। फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ये सिंपल ऑपरेशन है। यहाँ पे उन्होंने जो है सिलेक्टेड फील्ड के लिए किया हुआ सम, ठीक है, यानी कि उन्होंने करेंसी ऐड की है उनको सम करने के लिए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं ये $40 ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 और 40 60, या इसको हो जाएगा 50 30, और सब कुछ लग गया। ये इस तरह से ये फील्ड डिफरेंट उन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। करेंसी भी आप ऐड कर सकते हो। कैलकुलेशन विद डेट है, ठीक है। अब डेट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेट क्या है, सेकंड डेट क्या है, दोनों यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे मैं 22 कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे वो कास्ट वो सिक्योर कर रहा है, हमने क्या करना, पार्किंग के लिए, ठीक है। तो ये उसकी कास्ट शो कर रहा है। अगर आपको ये भी साथ ब्रेकफास्ट चाहिए या प्रीमियम इंटरनेट एक्सेस चाहिए वो ये, ठीक है। ये जैसे कि आप पैकेजेस बने होते हैं होटल्स के, कि आप कितने दिन वहाँ पर रहना चाह रहे हो, ठीक है, कौन कौन सी उनकी फैसिलिटीज़ या उनसे सर्विसेज लेना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से आपको काउंट करके दे देगा, ठीक है। आइडियल वेट कैलकुलेटर, ठीक है, आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, अगर आपकी हाइट कितनी है इन सेंटीमीटर, ठीक है। फर्ज करें आपकी हाइट 250 सेंटीमीटर है, आपका सेक्स मेल है या फीमेल है, आप यहाँ से वो सिलेक्ट करोगे तो आइडियल वेट आपको यहाँ पर बता देगा कितना होना चाहिए आपका। अगर फीमेल के लिए उसने 127 रखा है और मेल के लिए 135, ठीक है। जो प्रेगनेंसी कैलकुलेटर है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंटर द फर्स्ट, यहाँ पे आप पीरियड की डेट ऐड कर सकते हो और ये डिफरेंट सारी चीज़ें। लीज़ कैलकुलेटर है यहाँ पे, ठीक है। लोन आपने कितना लिया था उनसे, टोटल वो आप ऐड करोगे, ठीक है। आपने इधर वैल्यू ऐड करनी है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऐड करना है, टोटल मंथ ऐड करना है, ठीक है। मंथली पेमेंट आपको कितनी पड़ेगी, अगर मैं इधर मंथ 48 कर देता हूँ तो ठीक है, आपको अमाउंट और पेमेंट यहाँ पे चेंज होती नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटर आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये फ्री प्लगइन है, आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसकी हेल्प ऑनलाइन है, आप यहाँ से उसकी ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो इसने वर्डप्रेस पे सारी उसने जो है इसकी डिटेल्स दी हुई हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका फॉरम है और उसके बाद इसके जो है डॉक्यूमेंटेशन भी है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट उसका जो है डिटेल्स आपको शो कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा इसका एक प्रीमियम वर्जन भी है, अगर वो आप लेना चाह रहे हो उसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। अगर वो आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो वो भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। उसकी उन्होंने जो है बेसिक फ्री है, जो अभी हमने
डाउनलोड किया, उसके बाद ये है उनका प्रोफेशनल है, ये यूरो में उन्होंने प्राइज़ रखी है, ठीक है। तो ये कुछ उनके प्राइजेज हैं, प्रीमियम कितना ले सकते हो, ठीक है। डेवलपर के लिए कितना है, डेवलपर जो है डिफरेंट मल्टीपल वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें।